गुगुती गुराने लगी मेरा मैं तकी बोड़ी बोड़ी ए गेरी तू रितु चेतकी रितु रितु चेतकी गुगुती। आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जो है मतलब बकरी है, दो बूटे में। तो सबसे पहले आप सभी दोस्तों को मेरा प्यार व नमस्ते। मैं महेश भंडारी नए दिन की नई सूरत और अपने नए ब्लॉग में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ इन पहाड़ों की खूबसूरत वादियों से और खूबसूरत नज़ारों से। तो दोस्तों आज फिर से एक बार नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुकी है, तो आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। तो पिछले कुछ दिनों से ब्लॉग नहीं आ पा रहे हैं, कारण आप लोगों को मैंने पहले बता दिया था कि मेरी लगातार तबीयत ख़राब चल रही थी। तो आज थोड़ा सा स्वास्थ्य में सुधार है और आज हो गए हैं 30 दिसंबर, कल 31 दिसंबर है और इस महीने का और इस साल का अंतिम दिन। तो दोस्तों 1 जनवरी को नया साल यानी 2024 की शुरुआत होने वाली है, तो आप सभी दोस्तों को हार्दिक शुभकामनाएं नए साल की। तो दोस्तों आज थोड़ा स्वास्थ्य में सुधार है, तो आज फिर से मैं जा रहा हूँ जहाँ हमारा यहाँ एक होम स्टे बन रहा है, जैसा कि मैं आपको अपने पिछले ब्लॉगों में दिखाया है। जिसने नहीं देखा वो यूट्यूब चैनल दगड़े ब्लॉग्स में जाकर देख सकते हैं मेरे चैनल में। तो आज फिर से मैं थोड़ा वहाँ काम करने जा रहा हूँ, आपको बताऊँगा वहाँ असल में काम क्या क्या हो रहा है। तो अभी बज गई है लगभग 9 और थोड़ी सी देर भी हो चुकी है, तो दोस्तों मैं चलता हूँ और दिखाने लायक चीज़ होंगी आपको दिखाऊंगा। दोस्तों कल रात मौसम थोड़ा सा ख़राब हो गया था, थोड़ा बारिश का हो गया था, पर अभी सूर्य भगवान निकल चुके हैं, तो जय हो सूर्य भगवान। तो थोड़ा थोड़ा सी धूप हमारे घर में भी निकल गई है, बाकी पहाड़ में अभी अभी धूप नहीं आई है, थोड़ा थोड़ा आई है। तो बाकी सुंदर सा नज़ारा कुछ इस प्रकार से है दोस्तों, यह है हमारी साइड जैसा कि मैं आपको लगातार दिखा रहा था अपने ब्लॉग के माध्यम से। तो अभी यहाँ आजकल चल रहा है टाइल्स लगने का काम और साथ में पुट्टी का, तो ये देख सकते हो आप लोग। तो कुछ यूपी वाले मिस्त्री यानी जो पुट्टी लगा रहे हैं और कुछ राजस्थान के मिस्त्री हैं जो टाइल्स लगा रहे हैं। और ठीक सामने रलथम का बैंड के ऊपर आपको दिखाऊँगा, तो उधर भी एक मकान बन रहा है रलथम वालों का, यानी कि रलथम के एक कैलाश भाई हैं जो लगातार मेरे ब्लॉग देखते रहते हैं, तो उनका भी वहाँ पर मकान बन रहा है आजकल, वहाँ भी काम चल रहा है। ठीक सामने दिखाऊंगा आपको जूम करके ये, और इधर है रलथम गांव। तो बहुत दिनों के बाद आपको इधर का नज़ारा दिखा रहा हूँ। तो लगातार पहाड़ों में आजकल आग लगी हुई है, तो थोड़ा सा धुंध फैली हुई है। ये है बिसल गांव नीचे, तो यहाँ से बिसल गांव पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। यही वाला लिखा ना दोस्तों, लगभग बज चुके हैं दिन की 12:30 और मौसम की बात करूं तो आसमान में लग चुके हैं बादल। ये देख सकते हैं आप लोग, दूर दूर आप लोगों को आसमान में आज बादल नज़र आएंगे। तो यहां से ठीक सामने दूर दूर पहाड़ियों में धुंध लगी हुई है और यहां ऊपर से बिसल गांव थोड़ा सा साफ दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से रलथम गाँव दिख रहा है इधर की साइड। और दोस्तों ठीक 1 बज चुकी हैं, तो जो स्कूल के बच्चे हैं उनका हो रखा है अभी लंच यानी कि हाफ टाइम। तो कल से छुट्टी पड़ने वाली है स्कूलों की, यानी कि कल है 31 तारीख और कल संडे भी है, तो आज से छुट्टी पड़ जाएंगी और कल से इनकी छुट्टियां स्टार्ट है। तो लगभग 12 से 15 दिन की छुट्टियां पड़ेंगी ठंडियों की यानी कि शीतकालीन की। तो छोटे छोटे बच्चे हैं हमारे प्राइमरी स्कूल फोखरी गाँव में, राजकीय प्राथमिक विद्यालय फोखरी गाँव की स्कूल है, तो जहाँ मैंने भी 1 से 4वीं तक पढ़ा है। तो ये हैं छोटे बच्चे, नाम बताएंगे पहले अपना। तेजस पोखरियाल। और कौन सी क्लास में? 5th। इसका नाम अनुराग पोखरियाल, ये 5th क्लास में ना। तो कितने बच्चे हैं तुम्हारे स्कूल में क्लास में 5th क्लास में? 3। तो दोस्तों केवल 3 बच्चे रह चुके हैं हमारे राजकीय प्राथमिक विद्यालय फुगरी गाँव के स्कूल में 5वीं में। अगले साल से ये भी जाएंगे राजकीय इंटर कॉलेज बिसड़ वाली स्कूल में, जो ठीक सामने है। थोड़ा सा जूम करके दिखाऊंगा, तो ये दिखेगी अब ये लोग। तो दोनों कहाँ जा रहे हैं अभी? कहाँ जा रहे हैं? ऊपर। क्या को क्या माँ मथी अपने माम, मेरे मामा। अच्छा तो जा। तो दोस्तों ये दोनों हैं फुगरी गांव के और कम से कम यहाँ अभी 10-12 बच्चे हो ना? 9। बस केवल 9 बच्चा? हाँ। 1 से लेकर 5 तक केवल 9 बच्चा? हाँ। तो दोस्तों 1 से लेकर 5वीं तक केवल 9 बच्चे हैं। तो ये है अनुराग पोखरियाल, तेजस पोखरियाल, जो कि ठीक उस गाँव के हैं फुगरी गाँव के।
तो ये है स्कूल। बड़ा पुट चलो ले ना। तो दोस्तों मैं मैं एक बुक टेचा देसी नस्ल, तो अगर कहते चालू तो मैं से संपर्क कर सकते, मैं बिकाणु छो बिकाऊ ची और केवल अभी 9 से 10 महीनों बुक टेचे, तो संपर्क करें और आप लोग कहते भी जरूरत होली तो मैं बिकाऊ ची और बिकाणु से बुक टेचे। तो फिलहाल अभी चलू घास खाणु चा एकदम। तो ये है हमारे मोहनदा और आज अपने घर की ईंटें सार रहे हैं, तो अब इनका भी घर का काम होने वाला है स्टार्ट कुछ महीनों बाद। तो अभी ये ईंट लेके जा रहा है। शाम को मैच क्यों है? रोडम रोडम बॉल चाहिए के लिए नहीं बॉल यार कहना गया ना बिजोर। तो सामने है गांव का नज़ारा दिखा रहा हूँ, लगभग बच चुके हैं 2 और ठीक ऊपर लगे हुए हैं बादल। और अभी मैं आपको मिलाऊंगा अपने गांव के बिलम सिंह भाई जी से, तो ये बैठे हैं। तो क्यों नहीं आप बोला इनके बोलो ना तो चलिए क्या बोलना चाहते हैं तो बोला फिर से बोल। भाई और बहनों मैं आपके सामने एक बात बोलता हूँ, मैं घर का आदमी हूँ, गरीब आदमी हूँ, मेरे पास जो है मतलब बकरी है, दो बूटे मेरे काले हैं, बड़े बड़े हैं, अगर कोई इच्छुक हो तो मतलब मेरे पास भेज दीजिए और मेरे बूटों को ले जाइए। तो दोस्तों भाई का बोलने का मतलब है कि मैं घर का आदमी हूँ और घर ही में रहता हूँ, तो इनकी बकरियाँ पाली हुई है, इनके पास 8 से 10 बकरियाँ थी तो कुछ इन्होंने बेच दी, तो इनके पास 2 काले बकरियाँ जो कि नीचे चल रहे हैं अभी बुकटे। तो किसी को पूजा हेतु चाहिए तो इनसे संपर्क कर सकते हैं, पहले मुझसे कीजिए और मैं इनसे आप लोगों की बात करा दूंगा। काले हैं, लाल हैं, सफेद हैं। हाँ तो ये बेचना चाह रहे हैं क्योंकि उम्र भी इनकी ज़्यादा हो गई, कितने 60+ हो गई इनकी उम्र, तो अभी ये आंग भी कम देख रहे हैं। तो एक गाना लगे दीपल जरा फर्स्ट क्लास लगी मेरा मैं तकी बोड़ी बोड़ी ए गेरी तूरी तूते रितु रितु तकी गुती गुराने लगी ओ गुती गुराने लगी मेरा मीत की भोड़ी भोड़ी है गेरी तू रितु चे तकी हे रितु रितु चे तकी चखुला गोली छोड़ी उड़ना होला बेटुला मैं तकू पटना होला चकुला गोल छोड़ी उड़ना होला बेटुला मैं तकू पटना होला घुगुती गुराने लगी मेरा मैत की बोड़ी बोड़ी ए गेरी तूर तू चेतकी। दोस्तों भाई को तपला बजाने का और गाने का बहुत शौक था बचपन से, तो अब उम्र के हिसाब से बुढ़ापा भी आ गया, अभी भी तपला बजा लेते हैं थोड़ा बहुत और गाना आप लोगों ने सुनी लिया होगा। तो गाना चाहे नहीं भी आता हो और लगा लिया तो वही हमारे लिए सबसे अच्छी बात है, भाई जी ने बहुत अच्छा गाना लगा रहे हैं, बहुत अच्छा लगा मुझे। तो प्लीज़ संपर्क करना किसी को बकरियाँ हेतु, बकरियाँ चाहिए होंगी पूजा हेतु या किसी भी चीज़ के लिए, तो ये बेचना चाह रहे हैं उम्र के हिसाब से, उम्र हो चुकी है। तो ठीक दोस्तों ये भी आ चुके हैं घर, अब मुझे मिल गए हैं सड़क में। तो भाई हेलो गाइस हमारी छुट्टियां पड़ गई हैं। कितने दिन की छुट्टियां पड़ी हैं? 15। तो दोस्तों इनकी शीतकालीन की छुट्टियां पड़ चुकी हैं 15 दिन की, तो फुल एंजॉय करना ठीक है घर में, एंजॉय के साथ साथ थोड़ी बहुत पढ़ाई भी करनी है ना अच्छे से। तो दोस्तों इनकी छुट्टियां पड़ गई हैं, हमारे गाँव के सिर्फ 4 ही जाते हैं प्राइमरी स्कूल में यहाँ से, और ये है यश भंडारी हमारे बेटे राम। तो और कैसा लगा आपको व्लॉग? चाचा ने कब तक बनाया अपडेट, मतलब कितने मिनट हो गए अभी? हो गए 10-12 मिनट यार। 10-12 मिनट तो ये वीडियो कितने मिनट की चलेगी? 40-50 मिनट की चल जाएगी। हाँ तो पूरी देखना, सपोर्ट भी करना। अच्छा तो दोस्तों यस भंडारी की भी छुट्टियां पड़ गई हैं, तो काम भी मिला होगा ना स्कूल से? अच्छा तो आप ऑनलाइन के हिसाब से मतलब पीडीएफ भेजेंगे तुम्हें सीधा? तो देखिए दोस्तों हमारे टाइम में तो कॉफी किताब से ही काम दिया जाता था, अब इनके तो सीधा पीडीएफ आ रहे हैं फोन में सोशल मीडिया के जरिए। तो यस भंडारी को आप लोग जरूर देख दूंगे मेरे ब्लॉग में और इनको भी। तो दोस्तों बच चुकी हैं 2, तो मैं 1 बजे लंच करने आता हूँ घर और 2 बजे फिर मुझे वापस काम पे जाना पड़ता है।
तो इस बीच मैंने एक घंटे में आपको कुछ क्लिप दिखाई, बेलम सिंह भाई यानी मूली भाई जी का गाना भी सुनाया, उनकी बातें भी सुनाई, साथ में यस लोगों की बातें भी सुनाई और उनकी छुट्टियां भी पड़ गई हैं। तो अब नया साल आने वाला है तो जनवरी 1 से और 15 तक उनकी छुट्टियां हैं। तो दोस्तों अगर आप लोगों को मेरे ब्लॉग पसंद हैं या पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए मुझे। तो अभी बीच में एक मैसेज आया था, पर्सनल मैसेज भी आते रहते हैं यूट्यूब से रिलेटिव, तो किसी ने पूछा था कि आजकल हिंदी में क्यों ब्लॉग बना रहे हो, गढ़वाली में क्यों नहीं बना रहे हो। तो दोस्तों इसका एक कारण है कि किसी ने बोला था कि यार हमें थोड़ी गढ़वाली समझ में नहीं आ रही तो आप हिंदी में बनाओ। तो दोस्तों मैंने सोचा क्यों नहीं उनकी भी इच्छा पूरी कर लूँ और गढ़वाली छोड़कर आजकल मैं हिंदी में बना रहा हूँ, तो बहुत जल्द फिर से गढ़वाली में भी बनाऊँगा और रीति रिवाज दिखाने की कोशिश करता हूँ, वो भी दिखाने की कोशिश करता रहूँगा। तो सपोर्ट कीजिए मुझे, अगर आप लोगों का साथ रहेगा तो मैं आगे भी बढ़ूँगा और नई नई चीज़ें आप लोगों को दिखाता रहूँगा। थोड़ा आजकल समय का अभाव है, इस बीच एक घंटे में मैंने आपको बहुत कुछ दिखाया है और कुछ दिखाने का प्रयास भी करूँगा, क्योंकि अभी लगभग मुझे 4 से 5 घंटे भी और भी काम भी करना है। तो दोस्तों बने रहना व्लॉग में लास्ट तक और कमेंट में बताना कैसा कैसा लगा आपको मेरा व्लॉग, आज का दिन कैसा लगा।